आज लॉकडाउन खुलने के करीब एक महीने बाद शहर के 150 से ऊपर समाज सेवी और जागरूक नागरिक एकजुट होकर के बढ़े हुए पिछले बिल का विरोध करने पिछले विभाग कार्यालय में एकत्रित हुए। जमा हुए लोगों ने पिछले विभाग में सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर SP दुबे से मुलाकात की और सभी लोगों की समस्याओं को उठाया। बहुत से उपभोक्ताओं का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान उनके व्यापारिक संस्थान नहीं खुलने के बावजूद हजारों रुपयों में बिल आया है। वहीं पर घरेलू उपभोक्ताओं का आरोप है कि उनके बिल 5 गुना से 15 गुना तक बढ़ करके आए हैं। SP दुबे द्वारा आरोपों को सुनने के बाद उन्होंने शिकायतकर्ताओं के मीटर चेक कराने की बात कही और एक हफ्ते में समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिया। वहीं शिकायतकर्ता जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि उनके व्यापारिक संस्थान का जो नियत चार्ज होता है वह अप्रैल के महीने में 405 रुपये नहीं दिया, लेकिन अगले ही महीने में वह 405 रुपये जोड़ करके बिजली बिल बढ़ा कर दिया। इस पर SP दुबे ने बताया कि नियत को स्थगित किया गया था, इसलिए वह आगे छोड़कर है। जमा हुए लोगों ने एक हफ्ते में बढ़े हुए बिलों की जांच कर निराकरण देने की याचना की, अन्यथा एक शहर व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। नगर के प्रमुख समाज सेवियों में ब्रजेश शर्मा, करण सुराना, सत्येंद्र कलावत, पार्षद सोनू सुमन, पार्षद राशिद खान चिन्ना, कुणाल अग्रवाल, विवेक दुबे मौजूद थे। जय हिंद साथियों, आज शहर के करीब 150 युवा और समाज सेवी एकजुट होकर के बिजली विभाग में बढ़े हुए बिलों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने गए। वहां पर उन्होंने नवनियुक्त श्री SP दुबे जी, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ इंजीनियर हैं, उनसे बहस की, उनसे वार्तालाप किया और एक एक करके करीब 100 बिजली के बिल थमाए बढ़े हुए बिलों के। समस्या ये है कि पिछले 2 महीनों में लॉकडाउन के दौरान भी बिजली के बिल 5 गुना से 15 गुना तक बढ़ करके आए हैं और आम आदमी बहुत ही परेशान है। एक और रोजी रोटी की पड़ी हुई है, उसे जहाँ बहुत सारी नौकरियां जा चुकी हैं, काम दोबारा से नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन के दौरान में तनख्वाह नहीं मिली, और दूसरी ओर उसको ये 1000 रुपये का बिजली बिल भरना पड़ रहा है। सब जगह त्राहिमाम मची हुई है। इस संदर्भ में जब हमने श्री SE सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं इनकी जाँच करवाऊँगा। उन्होंने सभी लोगों के बिजली के बिल लिए, बिजली के बिलों पर पीछे मोबाइल नंबर लिखवाए और उन्होंने बताया कि शासन का आदेश आया था कि अप्रैल के बिलों में पिछले वर्ष के सेम समानांतर अप्रैल की तुलना में 25% करीब 125% बढ़ा करके यूनिट अनुमानित लगाई जाए, क्योंकि अनुमान अब ये शासन का आदेश क्यों आया ये तो सभी लोग जाने कि 125% बढ़ाने का क्या उद्देश्य था। दूसरी ओर जब बात हुई कि आधा बिल माफ़ी की घोषणा हुई है शिवराज सिंह सरकार द्वारा, तो उन्होंने बताया कि अगर आपका बिल 400 रुपये के ऊपर आया है, लेकिन अप्रैल माह में 100 रुपये से 400 रुपये तक का था, तो ही वो माफ़ी के लिए मान्य होगा। और माफ़ी के लिए अलग से आपको अप्लाई नहीं करना है, सॉफ्टवेयर में पूरी तरह से डिज़ाइंड है। जिन जिनका बिल उस दायरे में आएगा वो अपने आप माफ होता चला जाएगा। आवेदन देने के बाद उन्होंने एक हफ्ते में निराकरण का वादा किया है और अगर समस्या का निराकरण नहीं होता तो हम जो बिजली विरोधी ग्रुप के सदस्य हैं 100 से ऊपर जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं, वो सभी लोग बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और सभी साथियों से, नगर के और जागरूक युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस आंदोलन में जुड़ें और अपने अपने हक की आवाज़ उठाएं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। जय हिंद, धन्यवाद।